I, Sunny Deol, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I'm about to enter. नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। क्या सनी देओल को सांसद बनाकर पीएम मोदी ने बड़ी गलती की है? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में कौंध रहा है। साल 2019 में सनी देओल ने पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। गुरदासपुर की जनता ने भारी बहुमत देकर उन्हें जीत दिलाई थी। जनता ने वोट देते वक्त ये सोचा था कि उनका हीरो उनकी समस्याएं सुनेगा, उनका समाधान करेगा, संसद में उनके मुद्दे उठाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो न सका। बीते 5 सालों में न तो सनी देओल को गुरदासपुर की याद आई और न ही अपनी जनता की। अब जब संसद की 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र भी संपन्न हो गया है, तो बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल बॉलीवुड में शेर की तरह दहाड़ने वाले सनी देओल ने संसद में एक बार भी अपनी आवाज नहीं उठाई है। इन 5 सालों में तमाम सांसदों ने बतौर प्रतिनिधि अपने अपने हलके के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा, लेकिन लोकसभा के 543 सांसदों में से कुछ सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने संसद में ना के बराबर हिस्सा लिया, तो वहीं अलग अलग पार्टियों से 9 सांसद ऐसे भी थे जो सदन में कुछ नहीं बोले। हैरान करने वाली बात यह है कि ये 9 सांसद देश की मुख्य लोकसभा सीटों से चुनाव जीत कर संसद पहुंचे थे, लेकिन पूरे सत्र के दौरान बस खामोश ही रहे। इन सांसदों में सबसे ज्यादा जिन 2 नामों की चर्चा हो रही है, उनमें से एक है टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी सांसद सनी देओल। सामने आई जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र से पहले तमाम ऐसे सांसदों को लेकर चर्चा की जिन्हें बोलने का मौका दिया जाने के बाद भी वो पूरे सत्र के दौरान एक बार भी नहीं बोले। अब रिपोर्ट्स की माने तो गुरदासपुर सांसद सनी देओल को 2 बार बोलने का मौका दिया गया, लेकिन वो दोनों बार बिना बोले चले गए। इस बात को लेकर सनी देओल सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार भी हो चुके हैं। जहां एक तरफ वो गुरदासपुर ना जाने की वजह से लोगों के निशाने पर हैं, तो वहीं संसद में कोई मुद्दा ना उठाने को लेकर भी ट्रोल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि सनी देओल सांसद तो बन गए, लेकिन 5 सालों में उन्होंने एक भी काम सांसद वाला नहीं किया है। दरअसल एक्टर के पास लोगों की परेशानी सुनने का टाइम ही नहीं है। वो फिर से अपने फिल्मी करियर को लेकर बिजी हो गए हैं। पिछले साल सनी की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी ने कहा था कि वो राजनीति में फिट ही नहीं बैठते हैं। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने अपनी संसद में गैर मौजूदगी पर भी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि संसद में मेरी उपस्थिति वाकई काफी कम है। मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छी बात है, लेकिन जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि ये मेरी दुनिया नहीं है। मैं अपने चुनावी क्षेत्र के लिए लगातार काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद जाता हूँ या नहीं। इससे मेरे संसदीय क्षेत्र को लेकर मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा जब मैं संसद जाता हूँ तो मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समय कोविड था, इस कारण मैं सिक्योरिटी रीजंस के चलते नहीं गया। एक एक्टर के तौर पर आप जहां भी जाते हैं, लोग आपको घेर लेते हैं। मेरे पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए कामों की लिस्ट है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। राजनीति की बात करूं तो ये एक ऐसा पेशा है जिसमें मैं फिट ही नहीं बैठता हूं। मैं अब और चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मोदी जी भी जानते हैं कि ये लड़का अपनी फिल्मों के जरिए देश की सेवा कर रहा है, इसलिए उसे फिल्मों में ही काम करना चाहिए। सनी देओल के इस बयान से इतना तो साफ हो गया है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले। अब लगता है मोदी सरकार को गुरदासपुर की लोकसभा सीट से किसी और को चुनावी मैदान में उतारना होगा। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने सनी देओल को सांसद बनाकर काफी बड़ी गलती कर डाली थी। तभी तो शायद सोशल मीडिया पर भी सनी देओल को जमकर ट्रोल किया जाता रहा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।